स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं धर्मशाला के पिच रिपोर्ट के बारे में। यहाँ पे जो है वो काफ़ी सालों बाद आईपीएल के मैचेस होने वाला है, ऑलमोस्ट 10 सालों बाद। लास्ट मैच यहाँ पे 2013 में हुआ था, जिसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। और यहाँ पर अगर हम लोग कैपेसिटी की बात करेंगे तो ऐसे भी हिली वाला इलाका है, 23,000 के आसपास कैपेसिटी है। और आप देखोगे यहाँ पर जो है धर्मशाला में जो है ये ऑलमोस्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्राउंड जो है वो फुली क्राउडेड होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है अब देखोगे तो एक तो लोग जाएंगे भी और साथ में हॉलीडे के बहाने भी जो है वो लोग चले जाते हैं। धर्मशाला में जो काफ़ी फुल रहता है वैसे ग्राउंड। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे जो है आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि काफ़ी दिनों बाद मैसेज हो रहा है, अभी रिसेंट में ही इंटरनेशनल मैसेज हुआ था, जिसका पेस रिपोर्ट अपडेट भी हमने जो है वो डिस्कस किया था बहुत पहले। तो अभी हम लोग देखते हैं किस तरह का सीनरी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है और क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जो है पूरा देखना। अच्छा लगेगा तो लाइक कर लेना, अपने दोस्तों में शेयर कर लेना। और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हो कि विनर सेशन इंट्री में बहुत ही अच्छे से प्रॉफिट उठा सको, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है उठा रहे हैं, तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पर आप जुड़ सकते हो। साथ में आप कॉल पर सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, और ड्रीम इलेवन के लिए जो है आप स्क्वाडिंग इलेवन पर जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती है, चाहे वो टीम हो या फिर जो है किसी तरह का न्यूज़ हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस ग्राउंड के बारे में। तो आप देखोगे तो ग्राउंड जो है ना, ग्राउंड के बारे में दो चार चीज़ें जान लो। ग्राउंड तो है एक, वो जो है वो क्या है कि काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे यानी कि हिली वाले एरिया पे जो है ये लोकेटेड है। धर्मशाला का लोकेशन आप सभी को पता है। और यहाँ पे बॉल जो है ना, एक तो पहाड़ी वाला इलाका है, हिल वाला इलाका है, तो आप हिल वाला इलाका आपको पता है कि वहाँ पर ज़मीन जो है ना क्या होता है, ज़्यादा नमी नहीं रहता है, जो है पहाड़ वाले इलाके ज़्यादा हैं, पहाड़ वाले इलाके ज़्यादा है। तो वैसे स्टेडियम में क्या रहता है कि बॉल जो है वो काफ़ी फास्ट ट्रेवल करता है, तो इस चीज़ का जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यानी कि जब भी जो है पिच से बॉल बाहर निकलेगा आउटफील्ड पर जाएगा तो देखोगे अधिकतर जो है बाउंड्री के बाहर नजर आएगा, क्योंकि आउटफील्ड जो है वो बहुत ही तेज़ रहता है यहाँ पे। और जब लास्ट टाइम यहाँ पे आईपीएल के 2013 में मैचेस भी हुआ था, तो वहाँ पे देखा था हमने काफ़ी रन बने थे, 186-170 के आसपास रन बने थे। आप कहोगे 170 रोगी रन थोड़ी होता है, लेकिन ये 10 साल पहले की बात है। 10 साल पहले जब 186 बनता था, यहाँ पर मान लो आज के सीनरी में 250 भी बन सकता है, जैसा सीनरी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरह का सीनरी जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और बैट्समैन के लिए अगर यहाँ पर रुक जाता है कोई भी बैट्समैन, तो एक अच्छा रन बना सकता है। शुरुआत में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है बैट्समैन को, क्योंकि फ्रेश पिच मिलेगा, फ्रेश पिच मिलेगा इसका मतलब कि जैसे कल मैच होना है तो आज जो है उस पर पानी उन्हें डाला गया होगा पिच पे, या फिर उसे ढक दिया गया होगा, रूल किया होगा। तो वैसे सीनरी में क्या होता है कि थोड़ा देर जब उसको ओपन किया जाता है तो थोड़ा देर के लिए जो है नमी रहता है ग्राउंड पे पिच पे, तो वैसे सीनरी में जब नमी रहेगा थोड़ी देर के लिए तो थोड़ा सा जो है वो परेशान जरूर कर सकते हैं शुरुआत में बैट्समैन को, लेकिन उसके बाद आसान होता जाता है। साथ में अगर हम लोग बात करते हैं जैसे जैसे पिच पर मैच होते जाएगा तो ये पिच जो है धीरे धीरे ड्राई होते जाएगा, यानी कि जो हाईलिंग और स्कोरिंग एरिया है वो धीरे 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 कम होता जाएगा, बाउंस पिच में कम होता जाएगा। अगर नमी रहता तो पीछे जल्दी से टूटती नहीं है, लेकिन यहाँ पर नमी के चांसेस भी कम रहेगा, क्योंकि अभी देख रहे हो गर्मी जो है वो कितना ज़्यादा है। और वो चाहे आप देखोगे धर्मशाला में ही क्यों ना हो, लेकिन गर्मी तो वहाँ भी जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ऐसा कंडीशन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। रात का मैसेज है, लेकिन ड्यू के चांसेस काफ़ी कम होंगे, क्योंकि ड्यू जो है मेनली सितंबर से मार्च तक जो है वो रहते हैं। उसके बाद जैसे ही मार्च निकलता है तो आप देखते हो ड्यू भी जो है वो कम होता जाता है, जो कि आपने बाकी ग्राउंड पे भी देखा होगा कि ड्यू जो है वो काफ़ी कम जो है वो नज़र आ रहा है। तो इस चीज़ का जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर देख रहे हैं तो बहुत सारे इनिंग में आपको देखने मिलेगा, जो फर्स्ट इनिंग है वहाँ पर हाई स्कोरिंग मैसेज होता है, जो लो स्कोरिंग मैसेज सेकेंड इनिंग है उसमें लो होता है। और फास्ट बॉलर जो है मेनली यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल होता है, जिसको हम लोग अभी देखेंगे भी। अब बात कर लेते हैं जब आईपीएल के यहाँ के लास्ट में मैचेज हुआ था लास्ट साल, तो कैसा सीनरी जो है आपको देखने को मिला था। अब ऐसे सीनरी में बात करते हैं तो उस समय देखोगे 2010 में, तो वहाँ पर जो है किंग्स इलेवन पंजाब जो था, जो कि 183 रन जो है बनाया था, और मैचेज का हुआ था 18 मई 2023 को, जो कि सेम डेट जो है आपको देखने को मिलेगा। इससे ना बात करते हैं तो मुंबई इंडियंस जो है वहाँ पे 133 जो है बना पाया था, और पंजाब 50 रन से जो है पंजाब जीत गया था, जहाँ पर देखेंगे फास्ट बॉलर को 12 विकेट मिला था, स्पिनर को जो है 4 विकेट मिला था, जिसमें देखो मलिंगा को 3 था, ऋषि धवन का 1 था, नथन गुंडलाल को 1 था, हरभजन सिंह को 1 था, पोलार्ड को 1 था मुंबई की तरफ से। पंजाब की तरफ से देखो तो पीयूष चावला को 1 था, इस जो है परवीन कुमार को 1 था, इस अजहर मोहम्मद को जो है 1 था, संदीप शर्मा को जो है 2 था, अजहर मोहम्मद को 2 था, इस जो है देखो परविंदर का 1 था, और एडम गिलक्रिस्ट का जो है वो 1 विकेट था। और एडम गिलक्रिस्ट का विकेट तो इतना महत्वपूर्ण था कि आप देखो इनको केवल एक ही बॉल जो है इन्होंने बॉलिंग किया था और वो जो है वो आउट हो गए थे। तो ऐसे सीनरी जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मुंबई ऑल आउट हो गया था। अब बैटिंग में भी देखोगे तो बैटिंग में आपको देने मिलेगा कि जो फर्स्ट इनिंग था ना उसके बैटिंग स्कोर में देखो यहाँ पे, तो फर्स्ट इनिंग में देखोगे तो आपको देने मिलेगा कि शॉन मार्श का जो है परफॉर्मेंस देखो काफ़ी अच्छा देखने मिला था, अजहर मोहम्मद का देखो काफ़ी अच्छा देखने मिला था, मनन बोरा का जो है देखो काफ़ी अच्छा देखने मिला था। तो वैसे सीनरी में जो है यहाँ पर बैट्समैन जो अगर रुक जाता है तो काफ़ी अच्छा रन जो है बना सकता है। आप देखोगे उस टाइम पे भी आज से 10 साल पहले ये 200 के स्ट्राइक रेट से रन बना था, ये देखोगे 150 के स्ट्राइक रेट से रन बना था, और ये देखोगे तो आपको जो है ऑलमोस्ट 250 के आसपास के जो है वो एवरेज स्कोर जो है रन बना था। तो ऐसे ग्राउंड पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि किस स्पीड से जो है रन बन सकता है,
और जिस जो भी जो है इस स्पीड से खेलने वाला बैट्समैन है उस पर आप ध्यान दे सकते हो इस ग्राउंड पर। इस अलावा दूसरी तरफ देखोगे जो कि चेसिंग टीम था, तब देखोगे तो इनका जो है वो बहुत ज़्यादा रन तो नहीं बना पाए, लेकिन जो भी रन बना था वो ठीक ठाक जो है वो रन बना था। जब विकेट गिरता है तो आप वैसे भी जो स्कोरिंग एरिया है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इसके जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके पहले जो इसके दो दिन पहले मैचेस खेला था उसमें आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे 16 मई को जो है मैचेस खेला था, और इन 16 मैच में देखोगे तो पंजाब जो वहाँ पर 1871 बनाया था और दिल्ली डेवन जिससे वहाँ पर कितना बनाया था तो आपको जो है 164 बना पाया था। वहाँ पे फास्ट बॉलर को 9 विकेट मिला था और स्पिनर को जो है 2 विकेट मिला था, जिसमें देखोगे दिल्ली से तरफ से जो है नेहरा को 2 विकेट मिला था, इरफान को 1 मिला था और मोहन मरकुल को 1 मिला था, जो कि सारे फास्ट बॉलर थे। पंजाब में देखोगे संदीप शर्मा को जो है 3 मिला था, इसलिए परविंदर रवाना को 1 मिला था, प्रवीण कुमार को 1 मिला था और पीयूष चावला को जो है 2 मिला था। तो पीयूष चावला एक अकेले स्पिनर थे जिनको जो है यहाँ पर विकेट मिला था, उसके बाद जो सारे फास्ट बॉलर थे उन्हीं को जो है यहाँ पर विकेट मिला था। अब रन इनका देखोगे ना तो रन भी जो है आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि रन देखो तो रन आप देखोगे तो आपको देखने लगेगा कि यहाँ पे शॉन मार्श का जो है 42 रन था, इसके अलावा देखोगे एडम गिलक्रिस्ट का देखोगे तो 200 का स्ट्राइक रेट से 42 रन था, और सेम चीज़ डेविड मिलर का देखोगे तो आपको जो है यहाँ पे जो है 200 का स्ट्राइक रेट से ए भी ऑलमोस्ट जो है वो आपको 44 रन था, और फिर देखोगे तो आपको जो है एम पे राज दोबारा 37 का देखोगे तो ए भी जो है 200 का स्ट्राइक रेट के आसपास आपको जो है देखने को मिलेगा। अब यही दिल्ली की तरफ से देखोगे तो बेन रोजर का देखोगे तो आपको जो है 200 का स्ट्राइक रेट के आसपास का था, और यहाँ पे देखोगे तो आपको 150 का स्ट्राइक रेट से आसपास था वीरेंद्र सहवाग का, और महिला जयवर्धने का देखोगे थोड़ा सा स्ट्राइक रेट जो है कम हो गया था, तो यही सीनरी था जहाँ पे ये रन जो है थोड़ा सा पीछे रह गए थे। तब ऐसे सीनरी में देखोगे जब उस टाइम पे आज से 10 रन पहले 171 रन जो है बन रहा था, तो आज के सीनरी मान सकते हो कि ये 200-210 के जो है ऊपर रन है, और अगर यहाँ पे जो है 180-190 बन रहा था उस टाइम पे तो वो एक्सपेक्ट कर सकते कि वो अभी की सीनरी में जो है आपको 210-225 तक जो है वो स्कोर देखने को मिल सकता है ऐसे सीनरी में। अब बैट्समैन यहाँ पे जो है हम देखो फर्स्ट इनिंग का बैट्समैन बिना किसी डाउट सोचे हुए हमें जो है जो टॉप 3-4 है उनको पिक कर लेना है, वो एक अच्छा रन यहाँ पर बना सकते हैं। बॉलर्स हम लोग जो है ज़्यादातर कोशिश करेंगे फास्ट बॉलर को जो है यहाँ पे अच्छा मदद मिल सकता है, तो फास्ट बॉलर को जो है पिक करके जाएंगे, और वैसे सीनियर पर हम लोग इस बात का हमेशा फोकस करेंगे कि जो भी चीज़ें यहाँ पर हम लोग पिक करेंगे स्पिनर टेक्निकली जो बहुत ही अच्छा होगा वहीं परफॉर्म कर पाएगा, बाकी फास्ट बॉलर को जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छा बॉल बॉलर रहने वाला है, तो इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना है। और बाकी जो मैच एनालिसिस वाले वीडियो मैंने उसमें बता दिया है कि कौन कौन पिक जो है हो सकता है। इसके अलावा जो है अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो चाहते कि विनर सेशन इंटरव्यू में बहुत ऐसे प्रॉफिट उठा सको, तो जो व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आपको जुड़ जाना है, साथ में आप टेलीग्राम पर जो सकते हो कॉल वीडियो सर्च करके, और डीम लिंक के लिए आप स्क्वाडिंग पर जुड़ सकते हो जहाँ पे आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो देखने को मिल जाता है, और ये चीज़ें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन क्लिक कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ही धन्यवाद।